दोस्तों आज फिर एक बार बात करेंगे डिजाइनर परफ्यूम के क्लोन के बारे में जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था हाय गाइस वेलकम बैक दिस इज अंशुल भाटिया एंड आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट तो फ्रेंड्स इस क्लोन का नाम है क्लब डे न्यू सियाज जो कि आता है ऑफ ब्रांड से अब आप सब लोगों को पता है कि जो ऑफ ब्रांड है इट इज बेसिकली ए यू ब्रांड और इसकी जो पेरेंट कंपनी है जो इस ऑफ तो बेसिकली ब्रांड का नाम है लेकिन इनकी कंपनी का नाम क्या है दैट इज स्टर्लिंग परफ्यूम्स विच इज अ कंसर्न अब आमाफ ब्रांड को जैसा कि हम सब लोगों को पता है जो पॉपुलैरिटी है वो इनके क्लब डे न्यू इंटेंस मैन परफ्यूम से मिली थी जो कि क्रीड एवेंटस का क्लोन है अब क्रीड एवेंटस की अगर बात करें क्रीड Aventus को आप डिजाइनर के तौर पर लीजिए या नीश फ्रेगरेंस उसके तौर पर लीजिए क्योंकि जो नीश फ्रेग्रेंसेस होती हैं बेसिकली वो सिलेक्टिव फ्रेगरेंसेज होती हैं लिमिटेड क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होती हैं लिमिटेड क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाता है बिकॉज वो बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए होती हैं मासिस के लिए नहीं होती हैं तो जब क्रीड एवेंटस को लॉन्च किया गया था उसको एज अ नीच फ्रेग्रेंस के तौर पर मार्केट में लॉन्च किया गया था लेकिन ये परफ्यूम इतना ज्यादा पसंद किया गया इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मतलब लो, लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि कंपनी को इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर इसको मासेस तक पहुंचाना पड़ा जिसके चलते ये जो परफ्यूम है क्रीड अवेंटस अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं ये एक डिजाइनर परफ्यूम बनकर रह गया अब आज मैं जिस परफ्यूम की बात करने वाला हूं वो भी क्रीड की फैमिली में से ही है अब आप उसको नीच के तौर पर लीजिए या डिजाइनर के तौर पर लीजिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं उस परफ्यूम का नाम है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर और जो क्लब दे सियाज है आमाफ की तरफ से क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन है सो विदाउट विदाउट एनी एनी फर्दर फर्दर डिले एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ द ब्रांड्स सीधा बात करते हैं क्लब दे सियाज की प्रेजेंटेशन के बारे में अब अगर आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरे साथ बहुत देर पहले से जुड़ चुके तो आपने नोटिस किया होगा ऑब्जर्व किया होगा कि मैं मेरे वीडियो के अंदर फ्रेग्रेंसिस के प्रेजेंटेशन की भी बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं वो क्यों बिकॉज ऑब्वियसली एज अ परफ्यूम लवर परफ्यूम के अंदर या फ्रेग्रेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है ऑब्वियसली वो उसकी खुशबू तो होती ही है लेकिन खुशबू से पहले जो हमारा इंटरेक्शन होता है या इनकाउंटर होता है वो बॉक्स की प्रेजेंटेशन या उसकी लुक के साथ होता है तो मेरे लिए एज अ परफ्यूम लवर फ्रेगरेंस का लुक प्रेजेंटेशन भी उतना ही इंप्रेसिव होना चाहिए जितनी उसकी खुशबू है क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए कि जब आप कोई भी परफ्यूम खरीदते हैं तो सबसे पहले आप स्टोर में जाते हैं मॉल पे जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज स्ट्राइक करती है वो है उसका लुक कि वो दिखता कैसा है उसके बाद हम उसकी खुशबू के लिए जाते हैं या जब हम उसको परफ्यूम को खरीद कर घर ले आते हैं हम उसको अपनी ड्रेसिंग पे रखते हैं या वार्ड के अंदर रखते हैं तो जब भी हम उसको उठाते हैं लगाने के लिए तो हमें हमारे में वो फील आना चाहिए कि दैट वी आर गोइंग टू वेयर अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस जो अपने मूड को भी अपलिफ्ट करे और बहुत अच्छा फील करवाए तो अगर मैं आमाफ क्लब डे न्यू सियाज की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं मुझे इनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगता है क्योंकि अगर आप इसके बॉक्स को देखेंगे तो ये सिल्वर कलर का बॉक्स है और सिल्वर बॉक्स के अंदर भी फ्रंट पे आपको ब्रांडिंग दिखती है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर इन्होंने एक डायमंड टाइप सा स्टोन लगाया है अव्य। 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 इस स्टोन। लेकिन जो इसकी लुक है उसको वो बढ़ाता है साइड से अगर बात करें तो आपको एक रैंडम एब्स्ट्रैक्ट टाइप सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा और अगर इसके बैक की बात करें तो बैक पे भी आपको कंपनी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पे आपको इसके मैन्युफैक्चरर का नाम मिलेगा ब्रांड का नाम मिलेगा इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और अगर इसके बॉटम की बात करूं तो बॉटम में आपको वो सारी और अदर डिटेल्स मिल जाएंगी जैसे कि इसका बैच नंबर क्या है ये मैन्युफैक्चर कब हुआ था पैकिंग कब हुआ था फ्रेग्रेंस कहां के बैच का है क्योंकि अगर जब आप आमाफ के परफ्यूम्स खरीदते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि दो बैचेज आते हैं एक तो मेड मेड इन इन आता आता है है और एक फ्रांस तो वो भी रिलेटेड जितनी भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको बॉक्स के बॉटम पर दिखती है ये तो हुई बॉक्स की बात अगर हम बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स को खोलते ही आपको एक छोटा सा बुकलेट देखने को मिलता है विच इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रीड फ्रेग्रेंसेज अगर आपने कभी क्रीड कभी आपको मौका मिला हो या कभी आपने खुद खरीदा हो आपके पास क्रीड के परफ्यूम्स हो तो जब आप क्रीड के परफ्यूम को अनबॉक्स करते हैं तो उसके अंदर भी खुलते ही आपको एक छोटा सा बुकलेट देखने को मिलता है जिसमें इनके डिफरेंट रेंज ऑफ परफ्यूम्स को को देखने हमें हमें मिलता है और साथ 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 उसके के के अंदर अंदर ही उसके डिजाइनर रिलेटेड या उस डिजाइनर हाउस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है तो जैसे ही हम क्लब डे न्यू सियाज का भी बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा बुकलेट देखने को मिलता है जिसके अंदर इनका रेंज ऑफ परफ्यूम्स का ब्यौरा दिया हुआ है और अगर आ, इनकी बॉटल की बात करूं तो जैसे ही बॉटल आप देखते हैं बॉटल भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है दो इट्स अ ग्लास बॉटल और जैसा क्लब इंटेंस मैन का ब्लैक कलर का बॉटल है इसका सिल्वर कलर uh, का बॉटल है सेम आपको वो की चेन आगे इसके जो इनका ब्रांडिंग है है या है, या लोगो एम्बल बोल सकते हैं वो आपको दिखेगा uh, सामने ही बॉक्स बॉटल uh, के और जो इसका डिजाइन है वो एक तरीके से डाई कट डिजाइन है विच इज काइंड ऑफ अ ट्रांसल्यूसेंट बिकॉज जो डाई कट डिजाइन है उसके अंदर से आप इसके लिक्विड को देख सकते हैं साइड की बात करूं बॉटल की तो इसके अंदर भी आपको क्लब डे न्यू जो फ्रेग्रेंस uh, है, uh, है या जो वैरायटी है या जो रेंज है या जो सीरीज है उसका नाम देखने को मिलेगा इसका जो कैप uh, है कैप इसका सेम है क्लब डी न्यू इंटेंस मैन जैसा लेकिन जो uh, कलर है वो आपको सिल्वर मिलेगा विद ऑल दो रैप्ड अराउंड द कैप और इनकी बॉटल में वो बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि ये ड्रेसिंग पे रखी हुई बहुत ज्यादा जचती है और जब आप इसको उठाते हैं यू डेफिनेटली फील गुड अब अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि जो ये वाला परफ्यूम है ये बेसिकली सिट्रस फ्लोरल, वुडी, और मस्क बेस्ड परफ्यूम है। लेकिन अगर इसकी खुशबू को आपको लेयर बाय लेयर समझाऊं तो जब आप इसे स्मेल करते हैं भरपूर तरीके से सिट्रस नोट्स को इस्तेमाल किया गया है इसके टॉप नोट के अंदर लेकिन साथ ही साथ आपको हल्का सा हिंट इसके फ्लोरल नोट्स का भी मिलता है जिसके अंदर रोज और जैस्मिन है लेकिन अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो ड्राई डाउन में ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ये एक्सट्रीमली फ्लोरल और पाउडरी हो जाती है पाउडरी क्यों हो जाती है बिकॉज इसके बेस नोट के अंदर या ये कहें कि बेस नोट नहीं बल्कि मिड नोट के अंदर इसके आयरिस को यूज किया गया है और इसके टॉप नोट के अंदर वायलेट लीफ को यूज किया गया है वायलेट लीफ भी एक तरीके का फूल है और जो आयरिस फ्लावर है वो भी ऑलरेडी एक फूल ही है जिसको अगर हम क्रश कर दें या पीस दें तो आपको वो पाउडरीनेस या वो जो खुशबू है पाउडर की वो आपको अपनी उंगलियों से स्मेल करने को मिलेगी कभी अगर आप आयरिस फ्लावर को क्रश करके अपने हाथों में या उंगलियों में देखेंगे तो आपको वो पाउडरीनेस महसूस होगी तो वो जो पाउडरीनेस है वो इसके ड्राई डाउन में आपको स्मेल करने को मिलती है लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है या इंपॉर्टेंट चीज है जो इसकी लास्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाती है वो है इसके अंदर एम्ब्रॉक्सन का नोट और एम्ब्रॉक्सन के नोट के साथ आपको स्मेल करने को मिलती है मस्क की खुशबू अब अगर मस्क को भी आपको समझाऊं यूजुअली मैंने किसी भी वीडियो में उस तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं किया बट इस बार मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा कि मस्क की जो खुशबू होती है या कस्तूरी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज्यादा सटल होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होती है जस्ट लाइक दिस स्मेल ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज स्किन और जैसा मैंने आपको कहा कि जो एम्ब्रॉक्सन है वो इसकी लास्टिंग के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है अब जो एम्ब्रॉक्सन है मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो एम्ब्रॉक्सन है इट इज बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन नेचुरल इन्ग्रीडियंट नहीं है लैब में तैयार किया गया है प्योरली ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन बेसिस लेकिन एम्ब्रॉक्सन आखिर में स्मेल कैसा करता है तो जो एम्ब्रॉक्सन की खुशबू होती है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जो कंपाउंड है उनको इस तरीके से मिक्स किया गया है या इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर आपको मस्कीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी थोड़ा सा पाउडरीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी हल्का सा मीठा खुशबू भी इसके अंदर आपको स्मेल करने को मिलेगा और जो इसके साथ और एक चीज जुड़ती है वो है इसका अर्दीनेस तो जो एम्ब्रॉक्सन है बेसिकली मल्टी डायमेंशनल खुशबू है और एक हैवी बेस नोट है जिसके कारण इसकी लास्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है क्लब डे न्यूज सियाज की लेकिन ओवरऑल अगर क्लबडे न्यूज सियाज की बात करूं तो इसके अंदर आपको वो क्रीड का डीएनए अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा जो क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर की खुशबू है बहुत हद तक इसके साथ मिलती जुलती है या ये कहें कि इसकी खुशबू क्रीड सिल्वर माउंटेन के साथ बहुत हद तक मिलती जुलती है प्रोजेक्शन की बात करूँ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका जो प्रोजेक्शन और सियाज है दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत दूर तक फैलती है इसकी खुशबू मे बी बिकॉज ऑफ दैट हैवी बेस नोट्स और जो इसका हवा के अंदर स्टे है जब आप इसको लगा के कहीं मीटिंग के अंदर जाते हैं या किसी को मिलते हैं आप वहाँ से वो जगह छोड़कर चले भी जाते हैं तब भी करीबन आप ये कह सकते हैं कि आधे पौने घंटे तक ये खुशबू उस रूम के अंदर रहती है आपके उस रूम को छोड़ जाने के बाद भी मतलब इसका जो स्टे है इसका जो सियाज है इसके बबल्स का इसके मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लास्टिंग की बात करूँ तो लास्टिंग को मैं मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको कभी भी आर्स की फॉर्म में अब लास्टिंग नहीं बताऊँगा लेकिन फिर भी अगर आपको बताऊँ तो ये एक बीसली लास्टिंग वाला परफ्यूम है बहुत ही अच्छी लास्टिंग है इसकी और मैं आर्स को इसलिए रिफ्रेन कर रहा हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको बताना बिकॉज बहुत ज़्यादा एक डिस्प्यूट को ये जन्म दे देती है चीज़ बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट को पैदा कर देती है बिकॉज ऑब्वियसली जो लास्टिंग है मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि एक सब्जेक्टिव मैटर है क्योंकि जो लास्टिंग है वो एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है आप कौन सी जगह पर रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है आपके बॉडी के हॉर्मोन्स कैसे रिएक्ट करते हैं बिहेव कैसे करते हैं उस दिन आपने कितना फिजिकल एक्टिविटी किया आप एसी वाले रूम में थे नहीं थे या बाहर थे तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों पर लास्टिंग डिपेंड करती है तो मैंने ये सोचा कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती है कि मैं उसको आपको आर्स की फॉर्म में बताता हूं बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरीके से एक फ्रेग्रेंस मेरी बॉडी पे रिएक्ट करती है मेरी सराउंडिंग्स पे रिएक्ट करती है जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी पे या आपकी सराउंडिंग्स पे भी वो सेम तरीके से ही रिएक्ट करे लेकिन फिर भी ये जो परफ्यूम है मैंने बहुत सारे अपने और फ्रेंड्स को भी स्प्रे करके दिखाया था और वहां से भी और यूजअली मैं ये जो एक्सरसाइज है हर

वो कहीं ना कहीं मिड रेंज परफ्यूम्स की कैटेगरी में पहुंच गई है लेकिन जब आमाफ क्लब इंटेंस मैन लॉन्च हुआ था तब वो 1800 से लेकर 2000 के बीच में आपको मिल जाता था सो नाउ व्हाट आई फील या जो मेरी एक पर्सनल भावना है इस ब्रांड को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आमाफ ने बहुत अच्छी तरक्की करी है सो आई फील दैट दिस ब्रांड इज टेकिंग इट्स ब्रांड वैल्यू ये कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड वैल्यू को एनकैश कर रहे हैं मार्केट में तो ये अब किसको खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से ये उन लोगों को खरीदना चाहिए जिनके पास ऑब्वियसली बजट अवेलेबल है और जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है परफ्यूम्स का बहुत सारे परफ्यूम्स को डिफरेंट परफ्यूम्स को स्मेल कर चुके हैं तो ही आप इस परफ्यूम्स को परफ्यूम को खरीदने के लिए जाइए बिकॉज जो ये परफ्यूम है ये बिल्कुल भी जेनरिक स्मेल नहीं करता है बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप की फ्रेगरेंस है ऑफ द रूटीन फ्रेगरेंस नॉट अ वेरी काइंड ऑफ अ अगर आपको कुछ और डिफरेंट ट्राई करना है कुछ एक्सपेरिमेंट करना है अपने के के साथ तो ही आप इस के लिए जाइए अदरवाइज इफ यू आर अ बिगिनर आप एमएच्योर हैं अभी फ्रेगरेंस के अंदर अभी ही आपने कदम रखा है तो आप इस फ्रेगरेंस को थोड़ा लेटर स्टेजेस के लिए बचाकर रखिए जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर चुके हो परफ्यूम्स के साथ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि क्लब डे न्यू सियाज के रिव्यू के ऊपर बेस था आपको पसंद आया होगा आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए इस फैमिली की ग्रोथ के लिए इस कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपको खुशबुओं का शौक़ है आपने अभी अभी कदम रखा है आपको बड़े बड़े डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस के क्लोन्स के बारे में जानना पसंद है उनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानना पसंद है इंडियन ब्रांड्स के बारे में सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमें सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए तो इससे पहले परफ्यूम बीस्ट आपकी इजाजत ले आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए मुस्कुराते रहिए टिल नेक्स्ट टाइम इंजॉय लाइफ टेक केयर